हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कोई भी क्वेश्चन 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में लर्न करेंगे। उसको अभी स्टार्ट करने के पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जैसे उसका स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, उसके बारे में शॉर्ट में लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसके स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इट्स प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दैट ऑफ बॉडी इट्सेल्फ एंड सराउंडिंग मीडियम। इसका मतलब होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस रेट से चेंज होगा, वो दिया है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने ना टेम्परेचर ऑफ बॉडी को थीटा एज्यूम किया है एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को थीटा नॉट एज्यूम किया है, और हमारा जो टाइम है उसके लिए मैंने स्मॉल टी से डिनोट किया है। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी थीटा है, उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग मीडियम। तो बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग के मीडियम का टेम्परेचर, इसका डिफरेंस हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इसको ही हम लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ के माइनस लिया है क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब उसमें उसके बारे में मोर डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना है इस वीडियो में। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के दो अजम्पशंस है, बहुत सिंपल अजम्पशंस है कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ जो बॉडी है उस उन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या हम बोल सकते कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा की ओर आ जाएगा और डी टी को हम इधर लेके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेट यदि करेंगे, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लॉग सी लिख रहा हूँ यहाँ। अब लॉग सी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का वो लॉग में आने वाला है, तो उसको अच्छे फॉर्म में अरेंज करने के लिए मैंने लॉग सी लिखा है। तो ये 1/x का जैसे इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ x, जैसे वैसे ही डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, बहुत सिंपल फार्मूला है। इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, तो ये माइनस के टी प्लस लॉग सी। तो नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाय बी, इसका यूज करेंगे हम। लॉग सी को यदि इधर लेके गए तो माइनस लॉग सी बन जाएगा, और लॉग ए माइनस लॉग बी से ये बन जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसको ही हम लिख सकते हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसको ही हम लिख सकते हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। दिस कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, ये इसलिए मैंने डिराइव किया है क्योंकि कुछ MCQs है, कुछ क्वेश्चंस है सीधा इस के ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर निकालना, 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर उसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ थ्योरेटिकल वे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, जो हमें थ्योरी एग्जाम में आते हैं जैसे 4 मार्क 5 मार्क के लिए। तो हमारा मेन एम है इस वीडियो में कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जिसका फ़ायदा हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ MCQs होते हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है जहाँ MCQs होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि थेरोटिकल भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम में दिया है अ बॉडी ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट, द टेम्परेचर ऑफ एयर बीइंग 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द ओरिजिनल। अच्छे से समझो, एक प्रॉब्लम समझ में लिया, बात खत्म। देखो, ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने वहाँ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो
हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 20 मिनट में ये 60 हो गया, यानी रिड्यूस हो गया, जो मैंने बताया था माइनस के ले रहे उधर हम, ठीक है। तो इसी कारण हम लेते हैं उसको। तो ये जो 20 है ये हमारा टाइम, नया टाइम आ गया, तो मैंने उसको बोला T1 इज़ इक्वल टू 20, ये 60 हो गया। अब मैं ना जो इनिशियली जो हमारा टेम्परेचर था उसको मैं बीटा नॉट कहता हूँ, और ये जो नया जो टेम्परेचर आया है 20 मिनट के बाद इसको मैं बीटा वन बोलता हूँ। फॉर टाइम T1 इट इज़ B1, एंड टेम्परेचर ऑफ एयर यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दिया है उसको मैं थीटा बोला, 40 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है 40 मिनट्स के बाद, तो मैं इसको लिखता हूँ T2, पूछ रहा है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना होगा, यानी मुझे बीटा 2 निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब मैंने ना इसको एक सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, T0, beta 0, B1, T1, beta 1, T1, T2, beta 2 and theta 0 के फॉर्म में। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ना इस जो प्रॉब्लम जो दिया है उसको मैं टैबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो बहुत आसान हो जाएगा हमें अप्लाई करना, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है हमारा टाइम, एक है टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड एक है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग नेचर चेंज नहीं होगा, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा 40 सबके लिए भी, ठीक है। अब ये जो टाइम 0 है तब हमारा टेम्परेचर ऑफ जो बॉडी है वो है 80। अब जब ये 20 मिनट हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया 60 को, ठीक है। और 40 मिनट के बाद ये पूछ रहा है ये कितना आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंबल के फॉर्म में भी लिख देता हूँ, ये T0 है हमारा, ये बीटा नॉट है, ये बीटा वन है, और बीटा टू कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें, ये T1 है, ये T2 है, और ये हमारा थीटा नॉट है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमें दी होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जनरली यदि प्रॉब्लम दिया है तो दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एक में बीटा टू निकालो या T2 निकालो, बीटा टू आपको दिया होगा, ठीक है। यदि बीटा टू पूछा है तो आपको T2 दिया होगा, T2 पूछा है तो बीटा टू दिया होगा, ठीक है। इस फॉर्म में जनरली प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो सीधा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, बीटा टू का जो फार्मूला है, बीटा टू का जो फार्मूला आता है वो आता है बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट रेज टू द पावर T2 बाई T1 प्लस थीटा नॉट। ये सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपको टैबुलर फॉर्म में लिखने का फ़ायदा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान हो जाती है तुरंत देखने का, पुट करने का, ठीक है। जैसे अब यहाँ यदि आपने पुट किया बीटा नॉट की वैल्यू, बीटा नॉट कितना है हमारा, बीटा नॉट इज 80 माइनस थीटा नॉट, थीटा नॉट इज 40 इंटू बीटा वन, बीटा वन कितना है 60 माइनस 40 बीटा नॉट, बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट है तो 80 माइनस 40, और ये पावर जो आएगी वो आएगी 40 रेज टू द 20 प्लस थीटा नॉट, थीटा नॉट इज 40, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट करेंगे इसको हम, तो ये आएगा 40 इंटू ये आएगा 20 बाय 40 रेज टू द पावर 2 प्लस 40। अब ये लिख दिया मैंने 40 इंटू ये आएगा 1/2 रेज टू द पावर 2 प्लस 40, तो ये 1/4 डिवाइड बाय 40 इंटू 1/4 यानी आएगा 40 इंटू 1/4 प्लस 40, तो आएगा 10 प्लस 40 तो ये आएगा 50, ठीक है। तो सिंपल है, तो बीटा 2 आ गया हमारा 50, तो इसका ये आंसर आ गया। बहुत एक ही यानी एक फार्मूला पुट, फार्मूला लिखना है उसमें वैल्यूज पुट कर देने, तो 40 मिनट के बाद टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब यदि ये थेरोटिकल वे में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप को मार्क रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो जब थेरोटिकल वे में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन टी इज इक्वल टू जीरो पे थीटा जो दिया है हमें, वो यहाँ पुट करेंगे हम पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पुट करके हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मिलेगा। सेकंड कंडीशन ये जो है ना, ये पुट करके हमें के मिलेगा, ठीक है, तो के मिल गया, सी मिल गया लास्ट कंडीशन से, तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। हमें यदि शॉर्ट में आंसर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बॉडी स्टार्टिंग में 100 होती है, 10 मिनट में 60 बन जाती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर 20 दिया है, तो
फाइंड द टाइम पूछा है इन्होंने, एक्चुअली टाइम चाहिए, व्हेन द टेम्परेचर विल बी 30. तो बॉडी का टेम्परेचर 30 हो गया है तो किस टाइम पे हो जाएगा ये पूछा है. टैबुलर फॉर्म में लिखो फास्ट, इसको हम फास्टली टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज हमारा टी थीटा, थीटा नॉट, थीटा नॉट इज 20 फिक्स. ठीक है, ये दो चीज़ें जो होगी, जीरो पे 100 है, 10 मिनट के बाद 60 हो गया, 30 हो गया, तो ये टाइम निकालो. यानी टी नॉट दिया है, टी वन दिया है, टी टू निकालना है, बीटा नॉट दिया है, बीटा वन दिया है, बीटा टू दिया है. ठीक है, अब टी टू का फार्मूला, टी टू का फार्मूला, टी टू यानी ये स्मॉल टी टू, टाइम टी टू का फार्मूला जो आता है वो आता है टी वन इंटू लॉग ऑफ बीटा टू माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट अपॉन लॉग ऑफ बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट. वैल्यू लिखने, पुट करने, बहुत सिंपल काम है. तो यहाँ यदि आपने पुट किया तो टी वन मुझे दिख रहा है, हाँ साइन इज माइनस, साइन इज नहीं नहीं साइन प्लस ही है, साइन में कुछ नहीं है, सॉरी. ठीक है, तो ये टी वन जो है, ये टी वन है हमारा 10. ठीक है, अब ये 10 के बाद log of b2 माइनस थीटा नॉट. तो b2 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो b2 की वैल्यू जो है कहा गई हमारी है 30. b2 इज 30 माइनस 20 अपॉन बीटा नॉट इज 100 माइनस 20 अपॉन log of बीटा वन इज 60 माइनस 20 अपॉन ये बीटा नॉट 100 माइनस 20. तो ये आप करोगे तो ये आएगा 10 इंटू लॉग ऑफ 10 बाय 80 अपॉन लॉग ऑफ ये आएगा 40 बाय 80. सो दिस इज नथिंग बट 10 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय 8 अपॉन लॉग ऑफ 1 बाय 2. ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैलसी पे एल एन डालना है क्योंकि बेस ई होता है. तो ln ऑफ 1 बाई 8 अपॉन ln ऑफ 1 बाई 10 कैलकुलेट करो, इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाता है 30. ठीक है, सो आवर आंसर इज 30. सो टी टू इज 30, चेक करो एक बार आप कैलकुलेट करके देखो ये सारी चीज़ें. तो ये बहुत सिंपल है, तो हमारा टाइम रहेगा 30 मिनट. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, यदि आपको सॉल्व करना है तो कोई मुश्किलें नहीं आनी चाहिए. सीधा वैल्यूज पुट करनी है, साइन प्लस ही है, इधर मैंने गड़बड़ में ओके के लिए माइनस साइन आता है. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम दिया है, बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्लेस्ड इन अ रूम हुज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस. टैबुलर फॉर्म में लिख दो टी थीटा, थीटा नॉट, थीटा नॉट इज रूम हुज टेम्परेचर इज 20 दिया है. ठीक है, एंड जीरो टाइम जीरो है तब टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 100. ठीक है, ठीक है, एंड 5 मिनट में हो जाता है 60. तो ये पूछ रहा है 8 मिनट के बाद कितना होगा, बी टू निकालना है. बी टू का फॉर्मूला कितना है हमारा, बी टू इज इक्वल टू कितना आता है, बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बी टू यानी बीटा टू, बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट रेज टू द पावर टी टू अपॉन टी वन प्लस थीटा नॉट. वैल्यूज पुट कर दो बीटा नॉट, सो बीटा टू इज इक्वल टू बीटा नॉट कितना हमारा 100, ये बीटा नॉट, ए बी वन, ये बीटा वन, ये हमारा बीटा टू, ये हमारा टी नॉट, टी वन, टी टू, ये हमारा थीटा नॉट. सो थीटा नॉट इज 20, बीटा वन इज 60 माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट इज 100 माइनस 20 रेज टू द पावर 8 बाय 5 प्लस थीटा नॉट इज 20. सो दिस इज वेरी सिंपल, तो ये आ जाएगा 80 इंटू दिस इज 40 अपॉन 80 रेज टू द पावर 8 बाय 5 प्लस 20. नाउ दिस इज नथिंग बट 80 इंटू 1 बाय 2 रेज टू द पावर 8 बाय 5 प्लस 20. नाउ यू कैन कैलकुलेट इट ऑन कैलकुलेटर. सो ये जो वैल्यू आएगी 46.3901 आ जाएगा, ये हमारा बीटा 2 हो गया. तो ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी आ जाएगा. बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो नहीं दिया हो, बाकी हमें जो सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, हमें ये 5 और 6 चीज़ें चाहिए 7th चीज़ निकालने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीटा 2 का, हमने प्रॉब्लम देख लिया. बीटा 2 यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसे निकालना है जब टाइम दिया है, और एक प्रॉब्लम हमने देख लिया कि
टाइम कैसे निकालना है जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी दिया है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आते हैं, दोनों के दोनों प्रॉब्लम सीधा फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। अब तीसरा एक प्रॉब्लम ना कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि बस वो ना के निकालने के लिए, के यानी हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ना वो निकालने के लिए पूछेंगे, तो ना उसका बस फॉर्मूला लिख के रखो, यदि प्रॉब्लम आ गए आगे तो उसको हम ए फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है वन अपॉन माइनस वन अपॉन टी वन लॉग ऑफ बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट। तो इसको नोट करो, जब आ जाएगा प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व करेंगे। तीनों को तीनों फॉर्मूले यदि मैं यहाँ लिख दूँ तो स्पेस नहीं है उतनी, एक के का फॉर्मूला है, ये हमारा बीटा टू का फॉर्मूला मैं अगेन लिखता हूँ, बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट रेज टू द पावर टी टू बाई टी वन प्लस थीटा नॉट, यह हो गया हमारा बी टू का बीटा टू का फॉर्मूला। एंड अभी चलो जाने दो, अभी बीटा टू हो गया, के हो गया और टी टू का मैं ऊपर लिखता हूँ इधर, टी टू इज इक्वल टू टी वन इंटू लॉग ऑफ बीटा टू माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट अपॉन लॉग ऑफ बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट। अब ये बीटा नॉट यानी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या था, बीटा वन यानी टाइम जब बढ़ गया टी वन हो गया तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो गया, और बीटा टू क्या हमारा, वो तो हमें टाइम टी थ्री जब होगा तब ये हमारा टाइम टी टू जब हो जाएगा, ये स्मॉल 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 टी टू स्मॉल जब टाइम टी टू हो जाएगा तो ये बी टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो एक्चुअली ये कैलकुलेट ही करना होता है हमें, एक तो आपको बी टू बीटा टू देंगे तो आपको टी टू निकालना है, टी टू देंगे तो आपको बीटा टू निकालने के लिए पूछेंगे। एमसीक्यू है तो कभी कभी के भी फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है वो, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट ये है सीधा, वो आप देख सकते हो, ये मैंने रेड इससे मार्क करके रखा है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंजेस एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सराउंडिंग मीडियम एंड बॉडी इटसेल्फ। अब ये बॉडी इटसेल्फ एंड सराउंडिंग मीडियम लिखा तो भी करेक्ट है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, आगे चलते हैं हम। मेटल बॉल इज हीटेड, अब ये पूछा गया इन्होंने, ये तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहे, 100 था जब टाइम टी जीरो था तो 40 हो गया, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारा इसका, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब ये जो ना थीटा नॉट बस हमें देखना है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया है, वाटर मेंटेनेंट 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये 40 है, बस ये पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये सिंपल एमसीक्यू है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ भी वही पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चेक करो, मूविंग इन एयर एट टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी प्रॉब्लम आप रीड कर सकते हो, सिंपल ही है, ठीक है। इसमें भी वही पूछा है, सपोज कॉप्स एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस अराइव एट ए मॉर्चुअरी वेयर द टेम्परेचर इज केप्ट एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो वही आपको पुट करना है 10 बस, तो ये करेक्ट आएगा क्योंकि हमारा डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, तो ये टी नॉट की वैल्यू 10 पुट कर दें आंसर आ जाएगा। यहाँ भी यही है, ठीक है, सिंपल चीज़ है यहाँ भी। अब यहाँ एक बात नोट करो, यहाँ ना थीटा की जगह टी यूज़ किया है, कैपिटल टी, ठीक है, थीटा की जगह एंड थीटा नॉट की जगह कैपिटल टी नॉट है इसका मतलब, तो थोड़ा उस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सेम यहाँ भी टी यूज़ किया है। अब ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, प्रॉब्लम में क्या दिया, देखो थर्मोमीटर इज टेकन आउटडोर वेयर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अ रूम इन विच टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस, यानी थर्मोमीटर एक रूम में था जहाँ 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है, यानी थर्मोमीटर का, हमारी बॉडी थर्मोमीटर है, उसका टेम्परेचर थीटा दिया था 20 डिग्री सेल्सियस जब टाइम जीरो था, उसको बाहर निकाला हमने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, वो बता रहा है कि ड्रॉप्स हो गया है 1 मिनट में, यानी जब हमारा टी वन हो गया 1, तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या हो गए, थीटा हो गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा बीटा नॉट, ये हमारा बीटा वन, ठीक है, एक्चुअली थीटा वन थीटा टू लिखते तो भी चल जाता है इसको, लेकिन ठीक है अभी सिंबल मैंने बता दिया है तो उसको यूज़ करो आप। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि यह सराउंडिंग का टेम्परेचर कौन सा है, ठीक है। देखो जब थर्मामीटर रूम के अंदर था दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे, कुछ चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है।
तो उसमें कुछ केस बनती नहीं। जब थर्मामीटर बाहर लिया मैंने, सराउंडिंग में ले लिया, इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और थर्मामीटर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था। अब होगा क्या, थर्मामीटर एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर में हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई हो जाएगा और थर्मामीटर का टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर जो दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी सराउंडिंग हमारा यहाँ ये है 0 डिग्री सेल्सियस वाला। तो उसको आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो इसको हम लिख सकते हैं dT/dt इज इक्वल टू -kT − T0। तो ये T0 जीरो है तो ये बचेगा बस -kT, सो बी इज करेक्ट। सो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्रेशन दिया था सॉल्व करके, तो उसका सीधा MCQ के फॉर्म में आ गया है, थीटा इज इक्वल टू θ0 + A × e^(-kT। हमने जो निकाला था वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू θ0 + C × e^(-kT। ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो C है उसकी जगह बस A दिया है। अब यदि कभी यदि आपको C पूछा जाए, C निकालो, तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कंडीशन पुट करके K निकालना है तो सेकंड कंडीशन पुट करके K निकल जाता है, ठीक है। लेकिन K यदि पूछा है तो हम सीधा हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा आपको, वही प्रॉब्लम है बस थोड़ा आगे जाके उन्होंने दिया है, यानी थोड़ा एक्सटेंड किया प्रॉब्लम को। इन्होंने दिया है dT/dt इज इक्वल टू -0.7419 × T दिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि T पूछा है, बट यहाँ ना ये जो पूछा है सीधा आंसर नहीं पूछा, इन टर्म्स ऑफ टाइम T पूछा है। देखो हर जगह T है, एक तो बात हमें पता है, कौन सी बात, θ0 जो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जीरो है। जो इसका आंसर आएगा T = T0 + C × e^(-kT, इसमें ये जीरो दिया है। उस प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि थर्मामीटर बाहर आ गया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जीरो है, तो ये तो जीरो है हमारा, तो इसमें कुछ करना नहीं हमें, तो T = C × e^(-kT फॉर्म में कुछ तो आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा ये तो देखो, आंसर जो आएगा ये तो ये भी नहीं आ सकता और ए भी नहीं आ सकता, तो बचा बी और डी। तो बी और डी में ऑब्जर्व करोगे, 21 को रहने दो, ये ना एक प्लस है एक माइनस है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास के का सीधा फार्मूला है। अभी ये कहाँ से आता है ये भी मैं बताऊंगा बाद में, पहले MCQ को हम हिट करेंगे अच्छे से। अब इसमें दिया है, देखो प्रॉब्लम में क्लियरली दिया है कि जब हमारा देखो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा नॉट जो है वो जीरो है, या टी नॉट बोल सकते हो हम, उसको मैं लिखता ही नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। टी दिया है और एक थीटा दिया हमें, ठीक है। अब देखो यार, के का फॉर्मूला क्या है हमारा, -1/T1 log β1 − θ0 / β0 − θ0। तो जब टाइम T = 0 था तो वो जो थर्मामीटर जब रूम के अंदर ही था तो सेम था उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, उसको बाहर लिया सराउंडिंग में तो क्या हो गया, एक मिनट में ड्रॉप हो गया वो 10 तक। तो ये हमारा बीटा नॉट है, ये हमारा B1 है, ये हमारा T0 है, ये हमारा T1 है। तो K निकालना है, तो दिस इज −1/T1 = 1, तो मैं लिखता ही नहीं उसको, सो -1 है बस। तो log ऑफ बीटा वन है हमारा 10 −0/β2 है हमारा 21/0, तो कुछ चेंज नहीं होगा। सो दिस इज −log(10/21). अब ये log(10/21) आप कैलकुलेट करोगे, ln यूज़ करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सो दिस इज ln(10/21), आई एम कैलकुलेटिंग इट। सो ये आता है −0.7419 आता है, तो माइनस प्लस बन जाएगा, ये आएगा 0.7419, ठीक है। अब ये जो k आ रहा है ना, इसको यहाँ पुट कर देना है हमें, तो ये प्लस आ गई वैल्यू और इसका माइनस साइन, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है और ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी को सी निकालना है ना, तो ये सिंपल आता है सी, देखो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है θ = θ0 + C × e^(-kT, ये यदि निकालना है तो इनिशियल कंडीशन को पुट करो। जब t 0 था, थीटा कितना 21, तो 21 = 0 + C × e^(-0 = 1, तो C आएगा हमारा 21। सो इट इज़ वेरी सिंपल, तो ये ही वैल्यू यहाँ पुट की है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो बस ये MCQ में अभी इशू था।
कॉन्सेप्ट यूज करना था आपको। अब बाकी तो बड़े सिंपल है, के निकालो वो बता रहा है। के निकालना है सिंपल चीज़ है, टेबल बनाओ, थीटा नॉट कितना है 40, चेंज नहीं कुछ, थीटा दिया है, टी दिया है, टी जीरो था, बॉडी का टेम्परेचर 80 था, 20 मिनट में 60 हो गया, अब बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो के कितना आएगा, -1/T1 log of बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट। सो नाउ दिस बिकम्स 1/T1, सो T1 इज हमारा, दिस इज टी नॉट, दिस इज T1, दिस इज बीटा नॉट, दिस इज B1, तो -1/T1, सो दिस इज -1/20, ये -1/20 log of बीटा वन इज 60 माइनस 40 अपॉन बीटा नॉट इज 80 माइनस 40, सो दिस बिकम्स -1/20 log of 60 माइनस 40 इज 20 एंड दिस इज 40, सो दिस इज लॉग ऑफ 1/2, सो 1/20 लॉग ऑफ 1/2, लेकिन सारे ऑप्शन लॉग 2 में दिए तो ये माइनस साइन, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1/20 लॉग ऑफ 2, तो ये ऑप्शन देखना है ये करेक्ट। ये कन्फ्यूज मत हो जाओ, -1/20 को टिक मत करोगे, -1/20 तब आएगा जब ये लॉग ऑफ 1/2 है, ठीक है। और देखो सभी जगह बेस ए दिया है क्योंकि ये ln ही log टू द बेस e, यानी जो कैलकुलेटर में आप यूज़ करते हो वह ln दिखा होता है वो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन k पूछा है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। देखो टेबल बनाओ फास्ट, तो टेबल यदि बनाए हमने तो थीटा नॉट इज 20 फिक्स दिया है, और टी ये हमारा थीटा जीरो से हो गया ये 100 था, 60 हो गया है 1 मिनट में। k निकालो तो k का फॉर्मूला -1/T1 log of बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, सो दिस इज -1/T1, तो -1/T1 ये 1 आएगा, आई थिंक कैलकुलेट किया शायद है, सो दिस इज log of बीटा वन माइनस थीटा नॉट, तो ये बीटा वन ये है हमारा, ये बीटा नॉट है, बीटा वन माइनस थीटा नॉट यानी 60 माइनस 20 अपॉन 100 माइनस 20, सो दिस इज नथिंग बट log of 40/80, सो दिस इज log ऑफ 1/2, सो दिस इज log ऑफ 1/2, और ये माइनस साइन है इसको हर जगह, तो log ऑफ माइनस log ऑफ 1/2 यानी log ऑफ 2 आ जाएगा, तो log ऑफ 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। माइनस साइन भूलो मत, बस के फार्मूले को माइनस साइन है वो भी याद रखो, अब ये फार्मूला है आप सीधा सॉल्व करो, एक के मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, के वाला प्रॉब्लम। इसका आंसर है 1/15 log ऑफ 7/4, वही फार्मूला यूज़ करना है, k इज इक्वल टू -1/T1 log ऑफ बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, सो दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 40 मिनट्स, आई थिंक ये प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व किया है, ठीक है, फिर से करते हैं, याद नहीं तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें कुछ, चलो कोई ज़रूरत नहीं इसकी हमें। ये टेबल बनाते हैं फास्टली, टी थीटा थीटा नॉट इज 40 फिक्स, दिया क्या है टी ज़ीरो 20 मिनट में दिया है, 20 मिनट में हो गया 80, ओरिजिनल 80 था, 20 मिनट में हो गया 60, अब ये पूछ रहा है 40 मिनट के बाद कितना होगा। फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला क्या है हमारा, बीटा टू निकालना है। अब दिस इज टी नॉट टी वन टी टू बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू, तो बीटा टू का फार्मूला है हमारा बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट रेज टू द पावर टी टू बाय टी वन प्लस थीटा नॉट। नोट करने, यहाँ लॉग नहीं है, बीच में दोनों फॉर्मूले में लॉग है लेकिन यहाँ लॉग नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बीटा नॉट की वैल्यू क्या है, 80 माइनस 40, सीधा लिख देता हूँ मैं 40, इंटू बीटा वन कितना है 60 माइनस 40 20, बीटा नॉट माइनस ये तो अभी कैलकुलेट किया 40, टी टू कितना है हमारा, टी टू है 40/20, तो 40/20 आएगा 2 प्लस थीटा नॉट इज 40, सॉल्व किया है 40 इंटू दिस इज 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस 40 ये 10 आएगा और दिस इज 50, सो 50 इज करेक्ट आंसर। चलो आगे, अगेन देन द टाइम पूछा है अभी इस प्रॉब्लम में, इंटरेस्टिंग टाइम का फार्मूला है हमारे पास, आपको टेबल बनाना आना चाहिए, फास्ट टेबल बनाएंगे हम। अब मैं लिखता नहीं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया है, यस 40 दिया है, तो उसको सीधा यूज़ करेंगे, थीटा नॉट इज इक्वल टू 40,
जब टाइम टी नॉट कितना है हमारा 0, तब बीटा नॉट है हमारा 100, जब टी वन हो गया हमारा 4, तो बीटा वन हो गया हमारा 60, तो ये पूछ रहा है बीटा टू यदि 50 हो गया तो हमारा टी टू कितना होगा। टी टू का फॉर्मूला है हमारे पास, टी टू का फॉर्मूला क्या है, टी वन इंटू लॉग ऑफ बीटा टू माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट अपॉन लॉग ऑफ बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट। सो नाउ टी वन वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू लॉग ऑफ बीटा टू 50 माइनस 40 अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, 100 माइनस 40 कितना आएगा, 100 माइनस 40 अपॉन लॉग ऑफ बीटा वन, बीटा वन कितना है हमारा 60 माइनस 40 अपॉन दिस बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट एंड 100 माइनस 40। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। सो दिस इज 4 इंटू लॉग ऑफ ये कितना आएगा 10 बाय, दिस इज लॉग ऑफ 10 बाय 60 अपॉन लॉग ऑफ दिस 20 बाय 60। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय 6 अपॉन लॉग ऑफ 1 बाय 3, दिस इज 1 बाय 3, ठीक है 20 बाय 60 यानी 1 बाय 3 आएगा। अब ये ना कैलसी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ln ऑफ 1 बाय 6 अपॉन ln ऑफ 1 बाय 3 एंड इंटू 4। एक मिनट मैं खुद चेक करके देखता हूँ। सो दिस इज ln ऑफ 1 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय ln ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 4, तो ये आ गया 6.5237 और ऑप्शन यस मैंने एक्चुअली मार्क करके रखा है, तो ये दिस इज 6.5। अब 16 को देखेंगे हम। अब ये पूछा है कि थीटा निकालो, अब आप निकालो, ये बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें मैंने बताई है। बीटा टू यदि हमें निकालना है 8 मिनट के बाद, टेबल बनाओ, ये फार्मूला अप्लाई करो, बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट टी टू द पावर टी टू अपॉन टी वन प्लस थीटा नॉट। टेबल बनाओ, टेबल में क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फिक्स रहेगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है यहाँ, उस टेम्परेचर इज 20, तो ये 0 के लिए 100 था, 5 मिनट में 60 हो गया, अभी बोल रहा 8 मिनट के बाद कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइम पूछा है, सेम क्वेश्चन, सारी चीज़ें वही है, थोड़ा कुछ नंबर में चेंज किया है बस। इसका आंसर आएगा 22.78। फॉर्मूला क्या है हमारा, टी टू इज इक्वल टू टी वन इंटू लॉग ऑफ बीटा टू माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट अपॉन लॉग ऑफ बीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट माइनस थीटा नॉट। अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17। अभी लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है मेरे पास एमसीक्यू, बस ऑलमोस्ट सारे सेम है, सेम लॉजिक से सॉल्व करना है। ये दिया है अभी, टाइम ही निकालना है, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज़ है, सेम टू सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो उसको बार बार रिपीट करने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम प्रॉब्लम से, बस कैलकुलेटर चाहिए आपके पास और फार्मूला और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थीटा नॉट क्या है, थीटा वन क्या, थीटा नॉट क्या है, बीटा नॉट क्या है, बी वन बीटा वन क्या है, बीटा टू क्या है। अभी जो मैंने ऊपर सब बताया ना, उसमें कभी कभी मैंने बीटा के लिए बी यदि यूज़ किया है तो दोनों एक ही है, बीटा एंड बी, वो कभी कभी बोलते टाइम बीटा को बी बोल दिया है, तो ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में था। 30 सेकेंड टू 1 मिनट बहुत हो गया यदि आपको लॉजिक समझ में आ गया है, ठीक है, लेकिन ये थेरोटिकल एग्ज़ाम में इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये फार्मूला मैंने सीधा डिराइव किया है, क्योंकि सारे वो कांस्टेंट ही यूज़ होते हैं, इसीलिए वो फार्मूला मैंने के लिए, T2 के लिए या B2 के लिए फार्मूला डिराइव किया है और वो सीधा हमने अप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल काम है, थेरोटिकल एग्ज़ाम में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, ठीक है। यदि किसी को इंटरेस्ट है कि थेरोटिकल प्रॉब्लम कैसे होगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा।